और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। बाढ़ हालातों पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल को कांग्रेस के नाम एक ज्ञापन भी ये सौंपा है कांग्रेस ने राज्यपाल को। प्राकृतिक आपदा से लोग परेशान है, हुड्डा का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार की तैयारी नहीं थी, सरकार को पहले तैयारी करनी चाहिए थी लेकिन तैयारियां नहीं थी, जिस वजह से आज ये हालात हो रहे हैं। और साथ ही ड्रेनों की सफाई तक नहीं की गई, इंतजाम नाकाफी थे, नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द सरकार करे, ये भी उन्होंने कहा है। राज्यपाल को कांग्रेस ने बकायदा एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें तमाम बातों को उन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने कहा कि बरसात की शुरुआत हो चुकी है लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी तैयारियां नहीं की गई थी जो आज हालातों को कंट्रोल किया जा सके। कांग्रेस राहत कार्य में मदद करेगी, ये भी उन्होंने कहा है। राहत कार्य में सरकार कुछ नहीं कर रही है और हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, जनता का सहयोग करना विपक्ष का काम है। तो राज्यपाल को बकायदा ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें सीधा सीधा सरकार पर यह निशाना साधा गया कि बाढ़ के हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं लेकिन सरकार ने इसको लेकर कोई तैयारियां नहीं की थी, जिस वजह से अब स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता का सहयोग करना विपक्ष का काम है, हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं लेकिन सरकार की जो विफलताएं हैं वो हम बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार यहां पर फेल साबित हुई है। तो विपक्ष का सरकार को घेरने के लिए ये तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और नुकसान की खबरें सामने आ रही है क्योंकि किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जानमान का नुकसान भी हुआ, और इसको लेकर अब कांग्रेस ने सीधा सीधा सरकार पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि तैयारियां अगर समय रहते सरकार ने की होती तो आज ये नुकसान नहीं होता। साथ में ये भी कह दिया कि हम इस मुद्दे पर राजनीति कर नहीं कर रहे हैं, जनता का सहयोग करना विपक्ष का काम होता है और वही काम विपक्ष कर रहा है। तो बाढ़ के हालातों पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है और तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। हरियाणा में बारिश के चलते जो हालात पैदा हुए हैं उनको लेकर आज हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस के कई विधायक और कई बड़े नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल से मुलाकात की है। और इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने एक ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि प्रदेश में जो बारिश हुई उसके चलते बाढ़ जैसे हालात है, कई जिले इसके चपेट में है लेकिन हरियाणा की सरकार जो है वो जो राहत एवं बचाव का जो कार्य होना चाहिए वो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है और इसी के चलते राज्यपाल तक हरियाणा की कांग्रेस को आज पहुंचना पड़ा है और राज्यपाल को ज्ञापन जो है वो यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने सौंपा है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा समेत तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे हैं। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार को घेर रही है। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बारिश और जल भराव भराव से प्रभावित जो जिले हैं उन जिलों में जाकर भी सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे और अब आज कांग्रेस ने इस मामले में हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।